हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग यार, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको पबजी मोबाइल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आगे पुश करने के लिए, रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो भाई, अगर तुम रश गेम प्ले खेलते हो तो तुम ये ट्रिक्स अपने गेम में जरूर ऐड करना भाई। तो सबसे पहले ट्रिक जो है यहाँ पे वर्क करेगी। अब यहाँ पे जो देख सकते हो, ये जो ट्रिपल स्टोरी है भाई, उसमें आप सभी ने बहुत बार देखा होगा कि यार यहाँ पे बंदे सीढ़ियों पे या फिर वहाँ पे कैंप करते, जैसे कि जाते ही आप नॉक हो जाओ। तो यार वहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ पे है ये भी आप देख सकते हो लोकेशन मैप के अंदर। तो भाई यार यहाँ देख सकते हो, मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपको ये वर्क करेगी और ऐसी ही बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे आप ये यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही देख सकते हो ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और जो कि अब भाई हमें पता नहीं है उसका लोकेशन। देख सकते हो मेरे को फुर्से आ रहे हैं कि वो कहाँ है, ठीक है। तो वो ऊपर ही, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यह सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा है, देखो भाई। तो इस तरीके से आप नॉक हो जाएंगे और उसको हाई ग्राउंड वजह से आपको पहले नॉक मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस खिड़की के यहाँ पे आना है और जंप मारनी है, क्राउच करके बाहर आ जाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको यहाँ आके जंप करनी है, लेज ग्रैब यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेज ग्रैब करते हो तो ये देख सकते हो आप ऊपर आ गए हो और अपने एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो कुछ इस तरीके से वो वहीं पे बैठा रहेगा, तो आप यहाँ से अंदर भी जा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्राउच यहाँ पे आके भी बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से इजीली अपने एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से चाहे तो नेट भी कर सकते हो बंदे को, और आप ग्रेंडियर भी मिल सकता है। तो गाइस यार ये पहली टिप थी, उसके बाद हम सेकंड टिप की तरफ चलेंगे, तो वो आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। और भाई इस बंदे को मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे पास एक ही रूम कार्ड है और मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकता भाई। सो गाइस यार चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ, लेट्स गो। हाँ तो व्यूअर्स, जो सेकंड जो ट्रिक है वो भी यहीं पे स्क्वाड हाउस पे वर्क करेगी, जो कि हर मतलब ऑल स्क्वाड हाउस पे वर्क कर सकती है, ठीक है गाइस। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप देख सकते हो अब यहाँ से जैसे ऊपर जाते हो तो ये देख सकते हो यहाँ पे बंदे टीपीपी लेते हैं इस तरीके से। तो ये टीपीपी आपको कैसे तोड़नी है, तो भाई यार यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके जंप मारनी है और आपको यहाँ पे जंप करने के बाद क्राउच कर लेना है, ठीक है गाइस, इस तरीके से जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके जैसे आप यहाँ पे आके क्राउच कर लेते हैं, देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक साइड आना है, बाहर आते ही आपको यहाँ से उसके सामने वाले पे जंप करना है, ठीक है। मेरे से तो होता नहीं क्योंकि हम तो भैया प्रो नोबड़े हैं, आप सभी को प्रो ज़रूर बना देंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जंप करना है, उसके बाद आप क्राउच कर लेना। अगर यहाँ पे भी बंदा होगा तो भाई आपको दिख जाएगा और पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जंप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके लेज ग्रैब मारनी है, ठीक है। यहाँ पे लेज ग्रैब करने से क्या होगा, यहाँ से भी आप बंदे को मार सकते हो और वो जो देखो यहाँ से आपको क्लियरली बंदा दिख रहा है, जो कि बहुत ही ईजी है इस बंदे को नॉक करना और इसकी टीपीपी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। ठीक है गाइस, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा औसम है, अगर तुम यूज़ करते हो अपने गेम के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। और अगर छत पर बंदा हो तो भी आप नॉक कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको इसको इस रेलिंग के ऊपर चढ़ जाना है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको ऊपर की तरफ क्लाइम करना है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लाइम करते हो तो देन देख सकते हो यहाँ पे जो बंदा है आप इसे इजीली 5 ऐसा फायर देके नॉक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि आपको ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा और बंदे को आप नॉक कर दोगे गाइस। अगर आप प्रॉपर तरीके से ये ट्रिक यूज करते हो तो यार ट्रिपल स्टोरी में आपको कोई भी बंदा नहीं मार सकता या फिर आप किसी की भी टीपी भी इजीली तोड़ सकते हो। तो चलते हैं 4 ट्रिप की तरफ। तो भाई ये दो ट्रिप इसी के अंदर बता दी मैंने, 4 ट्रिप हम आगे चलते हैं, लेट्स गो। हाँ तो गाइस यार जो 4 जो टिप है उसमें देख सकते हो बग्गी और आप ओपन जीप दोनों में यूज़ कर सकते हो। गाइस यार जब भी आपके ऊपर ड्रॉप होता है और आप अकेले होते हो तो ड्रॉप को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि बग्गी और जीप दोनों के अंदर आप एफपीपी मोड ऑन कर दो, उसके बाद देख सकते हो जस्ट आपके अगर सर के ऊपर भी ड्रॉप होता है या फिर कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो आप उसे क्लियरली देख पाएंगे अगर आप एफपीपी कर लेते हो। तो गाइस यार ये ट्रिक आप जीप के अंदर भी यूज़ करते हो, जो ओपन जीप आती है उसमें। और जैसे मेरे सामने ये जो ड्रॉप गिरा मैं आपको प्रॉपर वीडियो बताता लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि लेट हो गया भाई। तो यार चलते हैं 5 टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है और ये लास्ट टिप है, ठीक है गाइस, लेट्स गो। हाँ तो गाइस यार जो आखिरी जो ट्रिप है या टिप है तो वो यूँ है कि यार कहीं पे स्मोक हुआ हुआ तो भाई वहाँ पे तुम्हें मोली का यूज़ करना है, ठीक है गाइस। अगर तुम मोली को इस तरीके से स्मोक के अंदर फेंक देते हो ना तो भाई बंदा क्या होगा, डैमेज होगा और तुम अपना गन हमेशा हाथ में रखना और मोली की जो फ्लेम है उससे तुम्हें बंदा स्पॉट हो जाएगा बहुत ईजीली कुछ इस तरीके से। जैसे ही देखा मेरे को बंदा और मैंने फायर दे दिया उस पर, तो गाइस यार वो डैमेज भी होगा अंदर और आप जैसे ही फायर दोगे मर भी जाएगा। तो बस यार इतना ही था आज की वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार 50 लाइक का जो एम है प्लीज़ कंप्लीट करा देना। इस वीडियो में 50 लाइक का एम रखता हूँ तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आती रहती है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।